बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जैसे कि लास्ट हम लोगों ने ना ओवरहेड किधर गया किधर गया किधर, हाँ ये लास्ट हमने ओवरहेड्स के चैप्टर में ये किया था कि रिपीटेड मेथड और अलजबरिक मेथड, रिपीटेड मेथड और अलजबरिक मेथड की हमने क्या की थी, ये वाली एग्जांपल सॉल्व की थी, याद है? ठीक है, अब मैं रिपीटेड मेथड का एक पास्ट पेपर सॉल्व करवा देता हूँ ताकि पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है वो आ जाए, और अलजेब्रिक मेथड का क्वेश्चन मैं पास पेपर का आपको होमवर्क में दे दूंगा, तो इससे हो। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको डायरेक्ट मेथड की एग्जांपल्स करवाई स्टेप डाउन की, और इसका जायका लिमिटेड वाला, और सेकंड क्वेश्चन आपको एक मैंने कोड दिया था जो कि था अल्फा लिमिटेड वाला, स्प्रिंग 14 का, एक स्प्रिंग 14 का होमवर्क दिया था और एक आपको ऑटम 13 का होमवर्क दिया था, तो वो डायरेक्ट मेथड का होमवर्क था। ठीक है, तो आप क्या करूंगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का और एलजबरी का, रिपीटेड का भी मैं खुद करवाने वाला हूँ, ठीक है, और एलजबरी का आपके इसी में। डन, चलो जी, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पास का सॉल्व करते हैं। ऑटम 2014, क्वेश्चन 7 पार्ट बी है इसका, ठीक है, सलमान लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगा, किसके साथ होगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। अच्छा जी, क्वेश्चन बढ़ते हैं। सलमान लिमिटेड हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सलमान लिमिटेड के पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पीडीए, ये जो पीडीए है और ये पीडीबी, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, SD1 और SD2, दो सर्विस डिपार्टमेंट आ गए। ठीक है, और उसने क्या किया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, ये क्या कर दिया, कॉमन एक्सपेंसेस दे दिया, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बता दी कि डायरेक्ट लेबर से लेकर डेप्रिसिएशन तक एक्सपेंस क्या करने हैं, एलोकेट करने हैं। ठीक है जी, अच्छा किस बेसिस पर एलोकेट करने होंगे, अदर डेटा में, ऊपर यहाँ पे कॉमन एक्सपेंसेस दे दिए उसने हमें, कॉमन एक्सपेंसेस देनी है विच आर टू बी एलोकेटेड, और नीचे क्या कर दिए, कॉमन एक्सपेंसेस की क्या कर दी, ये बेसिस गिवन कर दी, जिस बेस के ऊपर मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले कॉमन एक्सपेंसेस को पोर्शन करूंगा पीडीज में और एसडीज में। ठीक है, अच्छा जब भी सर्विस डिपार्टमेंट क्वेश्चन में आ जाए इसका मतलब सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट तो होगी, सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट तो होगी। ठीक है, अच्छा क्योंकि हमारे सवाल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हैं, पीडीज भी हैं, एसडीज भी हैं, इसका मतलब प्राइमरी अपॉर्चुनमेंट भी होने वाली है और सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट भी होने वाली है, तो सबसे पहले हम अभी क्वेश्चन का रोड मैप बना रहे हैं। आगे कहता है कि SL एलोकेट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अप्लाइंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसने कह दिया जो सर्विस डिपार्टमेंट, जो सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट एलोकेट करनी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो किस मेथड से करनी है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। और वैसे भी अगर आप डेटा को, मैंने आपको रीड करने से कहा था, अगर सर्विस डिपार्टमेंट वाले कॉलम में नजर मारें, सर्विस डिपार्टमेंट वाले कॉलम में नजर मारे कितनी परसेंटेज नजर आ रही है, 1, 2, जब भी 2% होगी तो क्वेश्चन या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से होगा या तो एलजेब्रिक मेथड से होगा। अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई ना करता तो फिर मैं किससे करता, जिस मर्जी से करता, जिस मर्जी से करता, फिर मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकता था, एलजेब्रिक से भी कर सकता था, पर मैं एग्जाम में किससे करूंगा, एलजेब्रिक से करूंगा, क्योंकि एलजेब्रिक जरा शॉर्टकट है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा लंबा काम चम चलता है। ठीक है जी, अच्छा जी, और अगर मुझे डर है यार अलजेब्रिक में मैं गलती करूंगा तो ठीक है, फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, ये बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा। रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कहता है डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर दो, क्या कैलकुलेट कर दो, एब्जॉर्प्शन रेट। यहां पे एक कंफ्यूजिंग ये आ रही है, काश ये बता देता कि जो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड OAR कैलकुलेट करना है किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, लेबर आवर के ऊपर, मशीन आवर के ऊपर, और आगे जो तीन बेसिस और हैं। ठीक है, तो नहीं बताया, इसका मतलब अब हमें खुद ही एक स्ट्रांग बेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्वेश्चन को पढ़ के, जिस बेस के ऊपर मैं OAR कैलकुलेट करूंगा। ठीक है बच्चों, सवाल समय लग गई, सवाल समय लग गया, चैलेंज, अब इसके लिखते हैं जवाब। ठीक है, अब इसका जवाब लिखते हैं आप, चलिए
क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, और हम इसका करने जा रहे हैं सजेस्टेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, ऑटम 2014। और सबसे पहले मैं ज़रा यार सेव कर लूँ, वरना हमेशा ये तो गुम ही जाता है मेरे से। तो क्वेश्चन 7 और ओवरहेड, ठीक है जी। चलो आपको टेंशन नहीं है हमें। चलें जी, सबसे पहले हमें क्या करनी है, एलोकेशन करनी है, और टोटल आ जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएंगे और सर्विस डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये टोटल वाला कॉलम फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, ये टोटल वाला कॉलम फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसको उड़ा दूंगा, अच्छा जी। ये वही सही है। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम मैं एलोकेशन करूंगा, और एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सीन होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, और हमारे पास कितने सर्विस डिपार्टमेंट थे, दो सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है बच्चों। चलो अब ठीक है। अच्छा जी, आज सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट भी है। इसका मतलब हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनमेंट करनी है वो किससे करनी है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करनी है। तो सर्विस डिपार्टमेंट की पोर्शन तभी होगी ना जब मैं प्राइमरी पोर्शनमेंट करूंगा, क्या कहते हो, ऐसी है। तो सबसे पहले प्राइमरी पोर्शन में क्या करना है, मुझे खर्चों को अपोर्शन करना है। तो सबसे पहले देखें कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या डायरेक्ट लेबर को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, क्या डायरेक्ट लेबर को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है? सर, डायरेक्ट लेबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डायरेक्ट लेबर एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। मुझे कॉमन एक्सपेंसेस, मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर जो है ये अपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे किनको अपोर्शन करना होता है, कॉमन एक्सपेंसेस को, यानी कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मुझे अपोर्शन करना होता है। बात याद रखें, ये जो लेबर की उसने वैल्यू दी है, ये उसने मुझे धोखा दिया, ये सारा का सारा धोखा है। ये क्या है सर, धोखा है। जैसे दुनिया धोखे का नाम है, इस तरह उसने भी हमें क्या किया, धोखा दिया, ठीक है। चेक करें, इतना धोखा हो रहा है, वो धोखा लिखे नहीं जा रहा, ठीक है नहीं। चलो जी, लिखने दो, चलो मर्जी यार, नहीं लिखने दे रहा। तो सर, इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसकी एक जगह काम आएगा, जब वो वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब डायरेक्ट लेबर ने सारा पोर्शन नहीं होना। अब क्या रह गया, कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट मटीरियल। क्या डायरेक्ट मटीरियल पोर्शन होगा पीडी दर एसडी में, नहीं। डायरेक्ट मटेरियल भी अपोर्शन नहीं होने वाला, ये भी अपोर्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये भी उसने हमें क्या किया, धोखा दिया। तो ये भी पोर्शन नहीं होगा, ये भी पोर्शन नहीं होगा, ये कोई भी पोर्शन नहीं होने वाला, डन। इसका मतलब कहानी स्टार्ट कहां से होगी हमारी, कहानी सर हमारी स्टार्ट होगी इनडायरेक्ट लेबर से। कहां से स्टार्ट होगी, इनडायरेक्ट लेबर से, डन। अच्छा, सबसे पहले हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी इनडायरेक्ट लेबर से, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर पहला मेरा कॉमन एफर्ट है। तो इनडायरेक्ट लेबर से डेफिनेशन तक मेरे कॉमन एक्सपेंस है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर का टोटल कितना है, टोटल चेक करें कितना है, 2570, ठीक है जी। इनडायरेक्ट को हम बांटने लगे हैं, तो इनडायरेक्ट का यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एलोकेशन आ जाएगी, यानी कि बेसिस आ जाएंगी, और यहां पर हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है जी, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट लेबर का टोटल कितना है, 2570। तो यहां पर टोटल आ जाएगा 257, सॉरी 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 सॉरी। तो डायरेक्ट लेबर आ गया, तो डायरेक्ट लेबर को तो हम गेम से आउट करेंगे ना, तो डायरेक्ट लेबर में कुछ भी नहीं आएगा इधर भी, ठीक है। अच्छा, मटेरियल में भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, जरा एग्जामिनर पे रोब शो पड़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कितना है, 9048, तो हमने लिख दिया 9048, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है उसका। पहला खर्चा इनडायरेक्ट लेबर, सर पहली अपॉर्चुनमेंट यहां से स्टार्ट होगी इनडायरेक्ट लेबर से,
और हमारे पास है 2570, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 2570 आ जाएगा। अब इसको पोर्शन करना है, देखना है सूटेबल बेस क्या। पर जब सूटेबल बेस देखने लगा, गौर किया, ये तो पीडीज में एसडीज में चारों में नजर आ रहा है। अगर ये चारों में नजर आ रहा है, इसका ऑलरेडी चारों में बंटा हुआ है, ठीक है, तो बस इसको कॉपी कर लेंगे, 900, 600 और 50 और 20, तो यही मेरा यहां पर आ जाएगा, ठीक है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये यहां पर एज इट इज आ गया मेरा, क्लियर। सेकंड कौन है, इनडायरेक्ट मटेरियल, सेकंड कौन है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल जो मेरे पास टोटल आ रहा है, वो टोटल मेरे पास कितना आ रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल, 2205, क्या आ रहा है, 2205। अब इस 2205 को मुझे क्या करना है, पोर्शन करना है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया 2205। अच्छा, अब इसकी जाके बेसिस 2205, अब इसकी बेसिस जाके ढूंढे इनडायरेक्ट मटेरियल की सूटेबल बेस क्या बनने वाली है जी। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल को चेक करें, वो भी तीनों में बांटा हुआ है, वो भी तीनों में बंटा हुआ है, क्या ख्याल है, वो भी तीनों में ऑलरेडी बंटा, इन तीनों को जमा करें 2205 बनता है, चेक करो जरा एहतियातन, हाँ हाँ, अगर नहीं बना, अगर नहीं बनता, इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कहीं और भी एलोकेट हो रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कहीं और भी एलोकेट हो रहा है, तो ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल की सूटेबल बेस ढूंढे यहां से, क्या इनडायरेक्ट मटेरियल ये जो सूटेबल बेस है सर, वो कैलकुलेट करें कि वो हम कौन सी बेस यूज करने वाले हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए जी। जी जी अच्छा जी, पीडी में नहीं आ रहा, लगता है कोई ना कोई गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जरा ओरिजिनल वाला पासवर्ड मैं देखता हूँ, एक मिनट जरा, ऑटम 16 सितंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7 यही वाला, सलमान लिमिटेड वाला। अब यहाँ पर आए देखें, पीडी डिपार्टमेंट ए में ऑलरेडी 900 आ रहा है, ठीक है, तो ये 900 जरा मिस था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 900, क्वेश्चन में भी सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 900 है, 900 अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर 900 अवेलेबल है तो कैसा था, इनडायरेक्ट भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ठीक है, इनडायरेक्ट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, वैल्यूज हम फिर यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो 900 आ गया, 1100, ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिस में क्या रेफरेंस देंगे, ये भी गिवन है, और इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी जो क्वेश्चन में गिवन था हमने वही लिखा, यानी कि हमने अपनी तरफ से पोर्शनमेंट अभी कोई नहीं की, सही है। अच्छा जी, तो इनडायरेक्ट लेबर भी हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो गया, अब चलते हैं फैक्ट्री रेंट के ऊपर, ठीक है, आए जरा फैक्ट्री रेंट के ऊपर। फैक्ट्री रेंट सर, फैक्ट्री रेंट कितना है, 1340। अब चेक करो अगर खाली खाली है, अगर खाली खाली इसका मतलब ये पोर्शन नहीं हुआ हुआ, तो अब पोर्शन करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री रेंट आ गया 1340, तो चलते हैं फैक्ट्री रेंट कितना आ गया, 1340, ये 1340 फैक्ट्री रेंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 1340 फैक्ट्री रेंट आ गया। अब फैक्ट्री रेंट की सूटेबल बेस ढूंढे यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री का रेंट जो है ये बेसिस गिवन है, तो किस बेस के ऊपर हम एलोकेट करेंगे जनाब, हाँ फैक्ट्री रेंट को हम एलोकेट करेंगे, इस फैक्ट्री रेंट को एलोकेट करेंगे फ्लोर एरिया के ऊपर। अब फ्लोर एरिया की परसेंटेज चेक करें, 5000, 4500 और 500, ठीक है, तो बेशक यही वाली परसेंटेज आप ले सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा स्मॉल करना चाहें परसेंटेज को, रेशियो को, तो वो भी स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, इनको सबको टोटल करें कितना आया, 10000, तो ए का कितना हिस्सा है, 5000 डिवाइड बाय 10000, बी का 4000 डिवाइड बाय 10000, ऐसे पोर्शन कर लोगे, ठीक है, बताओ कि फैक्ट्री रेंट को हमने कितनी अमाउंट को बांटना है, फैक्ट्री रेंट में 1340 को बांटना है, तो हमने 1340 को बांटना है, और हमने जो बेसिस सेलेक्ट की वो कौन सी की थी, फ्लोर एरिया, तो इसको फ्लोर एरिया की बेस के ऊपर बांटना है, ठीक है, चले जी आगे बांटे, और बताएं पहले वाला आंसर क्या आता है, 670, पहले क्या आ गया, 670, दूसरे का 536, तीसरे वाला 67, देन वो भी अगेन 67, तो ये हमने फैक्ट्री रेंट को पोर्शन कर दिया,
नेक्स्ट खर्चा देखते हैं जनाब कौन से। नेक्स्ट खर्चा हमारे पास ये पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट कितनी है 1515, तो पावर कॉस्ट लिख लेते हैं, तो 1515 ये हमारे पास क्या आ गई पावर कॉस्ट आ गई। ठीक है, अच्छा जी पावर कॉस्ट आ गई 1515। अच्छा पावर कॉस्ट सर इसकी बेसिस ढूंढ के लेकर आए, पावर कॉस्ट को किसके लेके जाऊंगा जी, किलोवाट आवर, किसके ऊपर किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर की रेशियो क्या चल रही है 8 लाख, 6 लाख, 50 लाख और 150 लाख। तो ठीक है 3 0 कॉमन रहने दो, ठीक है तो इसका टोटल करो जरा क्या आता है 1600 आता है। तो ठीक है तो ए का कितना हिस्सा 800 डिवाइड बाय 1600, ठीक है तो यहाँ पे हमने लिख दिया किलो वॉट आवर, तो किलो वॉट आवर ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है चलें जी बांट के बताएं आंसर क्या आता है, कितना 758। बी का ओ क्वेश्चन फाइव सिक्स एट आ गया, 5 6 और 8, और सी का बा 47 कर लो, ये कितना आ गया 47, और लास्ट वाला कितना है 142 टू, और ये आ जाएगा 47। ठीक है जी अच्छा जी पावर कॉस्ट भी एलोकेट होगी, लास्ट हमारे पास रहेगी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ठीक है अच्छा जी डेप्रिसिएशन वहां पर कितनी है 3500। ठीक है और डेप्रिसिएशन को किस बेस के ऊपर कैलकुलेट करूंगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, अगर कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं है तो फिर कोई और बेस यूज कर लूंगा, क्या कॉस्ट ऑफ मशीन है नहीं, अगर कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं है तो फिर मशीन आवर से काम चला लेंगे, क्या करेंगे मशीन आवर से काम चला लेंगे। ठीक है तो मशीन आवर में कितने बन रहे हैं 19250 और इन सबका टोटल कर लो जरा ताकि रेशियो कैलकुलेट हो जाए जरा, जी 35,000 आज, एक मिनट जरा मैं ये भी चेक कर लूँ जरा क्वेश्चन में ना ओरिजिनल 35,000 मशीन आवर है तो 19250 1920 सही है ना, ओके ठीक है 35,000 ओके 35,000 रेशियो आ गया हमारे पास, डन बच्चो। चलो जी तो डेप्रिसिएशन आ गया 3500, तो इसको बांटते हैं, तो डेप्रिसिएशन में कितनी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3500 को, और किस बेस के ऊपर हमने करना है मशीन, मशीन आवर की बेस के ऊपर हम इसको बांटने लगे जनाब, पहले वाला आंसर बताएं कितना 1925 आ गया 1925, दूसरे वाला, दूसरे वाला 12,250 डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3500 1225, तीसरे वाला 280 और चौथे वाला आ जाएगा 70। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई प्राइमरी पोर्शनमेंट आ गई, आ गई अच्छा प्राइमरी पोर्शनमेंट हम कर चुके। ठीक है अब यहाँ पे कर लेते हैं जरा टोटल, क्या कर लेते हैं टोटल कर लेते हैं। ठीक है जी चलें जी अब यहाँ पे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का बी का सर्विस का ए का वन का और टू का टोटल कर लेते हैं, पहले का टोटल कितना आया 6153, क्या जाएगा 6153 चेक करो जरा, दूसरे वाला टोटल करेंगे आता है 4049, SD1 का टोटल करें 594 और टू का डिस्ट टू का करें 354, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने अभी प्राइमरी पोर्शनमेंट कर ली, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ठीक है, तो अब हम यहाँ से सेकेंडरी पोर्शनमेंट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से सेकेंडरी पोर्शनमेंट करेंगे। ठीक है जी
चलें जी, अब हमारी आ जाएगी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, ठीक है। और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट हमें पता क्या होती है, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ठीक है, यानी कि एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं, सर्विस डिपार्टमेंट दो हैं, यानी कि SD1 का टोटल खर्चा कितना आया है, 594। इसका मतलब 594 को बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और 354 को बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। लेकिन अब की बार किस तरीके से बांटना है, हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बांटना है, ठीक है। तो ठीक है, इनको बांटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बांटते हैं SD1 को, सर्विस डिपार्टमेंट वन, सर्विस डिपार्टमेंट वन, सर्विस डिपार्टमेंट वन का टोटल खर्चा कितना है, 594। तो हम 594 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये 594 है तो यहां से 594 ये सर्विस डिपार्टमेंट का क्या हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किस में बांटना है, ए में बांटना है और बी में बांटना है। अब जाकर हम इनकी परसेंटेज देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या है बांटने की, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, जो सर्विस डिपार्टमेंट वन है वो PDA को 30% सर्विस डिपार्टमेंट वन ए को 30 सर्विस दे रहा, बी को 65 दे रहा और टू कितनी दे रहा, 5 दे रहा। तो रेशियो क्या बनेगी, 30 65 5। तो हमने किस रेशियो में बांटना है, 30 30 65 और 5 की रेशियो में बांटना है। यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, तो बेसिस में ले सकते हैं हमने 30 65 और 5 की रेशियो में हम बांटने लगे, डन बच्चों। अच्छा जी, बांटे जरा, ए में बताएं कितना हिस्सा आता है जी, 178, और बी में कितना आता है, 386 आ गया, और SD2 में देखो कितना आता है, 30 आ गया। अब चेक करो 594 में से, जब 594 माइनस हुआ तो देखो ये जीरो हो गया होगा, SD1 जीरो हो गया होगा, ऐसे है। अब चेक करो SD2 में कितना आ गया, 354 थे, 30 और हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे 384 बन गया। तो अब यहां से क्या माइनस करूंगा, 384 माइनस करूंगा, किस में, ए में और बी में। इसका मतलब अब SD2 को बांटने की बारी आ गई, और SD2 को किस बेसिस के ऊपर बांटना है, पढ़ते हैं 55 35 और 10, ठीक है। किस बेस के ऊपर, 55 35 और 1, 55 35 और 10 की बेसिस के ऊपर। चलो बांटो, शाबाश फिर, 211, बी में 134, और दोबारा SD1 में आ जाएंगे, कितने आ रहे हैं, 38। आ गया, क्लियर। अब चेक करो SD2 तो जीरो हो गया, लेकिन SD1 के पास ये 30 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये जो 30 एक्स्ट्रा आया, इस 30 को हम उड़ा देते हैं। अब 38 को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से कम करना पड़ेगा, ठीक है। 38 को यहां से कम करेंगे किस रेशियो से, दोबारा कौन आ गया, SD1 सर्विस डिपार्टमेंट वन आ गया, तो दोबारा 30 65 और 5 के रेशियो से बांट दे, और बताए आंसर क्या आता है, 11 जी, 25 और 2 आ गया। अब चेक करो ये जीरो हो गया, चेक करो ये जीरो हो गया, ऐसे है। अब ये जीरो हो गया, अब यहां से क्या करेंगे, इसके पास से 2 रह गया, तो 2 यहां से माइनस कर दूंगा, जब 2 यहां से माइनस कर दूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है। अब ये जो 2 यहां से डिस्ट्रीब्यूट करें ना, बस एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, खत्म करो, एक करके करके खत्म कहानी, डन। अच्छा, जैसे हमने एक एक कर दिया, अब क्या करना है, इनके टोटल एक्सपेंसेस को नहीं देना ना दोबारा, अब 2 और 10% 0.2 करेंगे तो सर हम चलते रहेंगे, जब छोटी अमाउंट रह जाएगी ना, 1 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए से कम, 10 रुपए से कम रह जाएंगे तो दोबारा SDs का दूसरे SD को खर्चा नहीं देना, सारा PDs में बांट देना, 1 2 रुपए की खैर है ना, जब 10 रुपए तक अमाउंट पहुंच जाए उसके बाद दोबारा SD में नहीं आना, वो सारा खर्चा PDs में बांट देना। और वैसे भी ज्यादा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में 3 से ज्यादा राउंड नहीं लगाने, मैक्सिमम 3 राउंड, 3 राउंड में सब कुछ बांट दो PDs में, ठीक है। अच्छा, सब कुछ हमने बांट दिया, अब जरा टोटल कर लो, PDA का और PDB का टोटल कर लो जरा जी,
ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, यहां से टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएंगे, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे डिपार्टमेंट वाइज। जी सबसे पहला पीडीए। अच्छा पीडीए में आप जो खर्चों को ऐड करना ना सर, इनको करना सारों को, ठीक है। तो 6153 ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, बस में 178, 211 और 12 ऐड कर दो, 6554। हाँ ये टोटल बनेगा कितना, 6554। और इस तरह बी का बताओ, 4575। तो 4575, ठीक है, क्लियर, यहां तो कोई टेंशन बस, ठीक है। अब हम किसकी बारी, अब किसकी बारी आएगी, ओ ए आर कैलकुलेट करने की, ठीक है। अब हम ओ ए आर कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब चेक करना ओ ए आर किस बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। काश वो हमें बता दे कि ओ ए आर इस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर लो, ए के लिए और बी के लिए, ठीक है। अच्छा जी चलो, याशी लागी एग्जामिनर कितना अच्छा, नेक बंदा एग्जामिनर, जन्नती है। बेसिस फॉर ओवरहेड एप्लीकेशन बता दिया, ए को किस बेस के ऊपर बांटना है और बी को किस बेस के ऊपर बांटना है, लेबर आवर के ऊपर, उसने बता दिया। तो हमारी अब याशी लागी, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ए को मशीन आवर की बेस के ऊपर बांट देंगे और बी को किस बेस के ऊपर बांट देंगे, डायरेक्ट लेबर आवर। अब मुझे मशीन आवर कैलकुलेट करने हैं, मशीन आवर्स हैं कितने जी, क्या मशीन आवर मुझे नजर आ रहे हैं ए के जी, कितने हैं, ये ए के मशीन आवर है, ठीक है। अच्छा बी के लेबर आवर नजर आ रहे हूं, बी के लेबर आवर नजर आ रहे हूं जी, ये जो 38 है ये लेबर आवर नहीं है मेरे भाइयों, ये तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है, पर यूनिट है, ये डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट है, एक यूनिट पर लगने वाले आवर, मुझे तो टोटल लेबर आवर चाहिए, तो 38 से तो काम नहीं चलेगा, अब तो क्या करेगा। हाँ ये 38 को 800 यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल लेबर आवर आएंगे, तो मशीन आवर कितने आगे, 19250, और टोटल लेबर आवर कितने आगे भाई, एक यूनिट को बनाने के लिए 38 घंटे लगते हैं, टोटल यूनिट्स बनाने, 800 यूनिट्स बनाने के लिए कितने टोटल लेबर आवर लगे जी, मल्टीप्लाई करो, हाँ 30,400 ये टोटल लेबर आवर इस्तेमाल करेंगे, सही है। अब जो ऊपर आप लोगों ने खर्चे कैलकुलेट किए उनको इससे डिवाइड कर दो बस, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। अच्छा इस टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को क्या करना है, डिवाइड कर देना आप लोगों ने, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, ओएआर से। तो इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, पहले वाले को इसके ऊपर डिवाइड कर दूंगा, मशीन आवर की बेस के ऊपर, डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय मशीन आवर, और दिस डिवाइडेड बाय लेबर आवर, ऐसे ही है, क्लियर। अच्छा जी अच्छा, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम मशीन आवर से, और इस ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे हम लेबर आवर्स, ठीक है जी। अच्छा जी और मशीन आवर कितने कैलकुलेट कर लिए थे हमने, 19250, तो ठीक है इसको डिवाइड कर देंगे 19250 से, और साथ वाले हमसे को डिवाइड कर देंगे 30,400, 30,400 से, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमारे पास ओ ए आर आ जाएगा जी, चेक करो ओ ए आर क्या आता है, ये मेरे पास ओ ए आर आ जाएगा, ओ ए आर जी 0.34, आंसर क्या है 0.34। ऊपर क्वेश्चन में जरा चलते हैं दोबारा वापस, यहां पे जितने भी जीरो थे वो सारे रुपीसिंग क्या है, 1000 है, सारे क्या है रुपीसिंग, 1000। तो जो हमने ये कैलकुलेशन की है, ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये भी हमारा रुपीस इन सारा 1000 है, तो अगर ये रुपीस इन 1000 है तो 6554000 है ये, ठीक है, उसको 19250 से डिवाइड करो, फिर आंसर बताओ क्या आता है,
340 एग्जैक्ट आया, पूरा पूरा आता है भाई, डेसिमल लिखवाना है, पर यूनिट को डेसिमल में लिखवाते हैं। हाँ 340.47, आपको मैंने बताया जब डेसिमल में आंसर आएगा तो टू डेसिमल में जाने जाना है, तो 340.47 पर मशीन आवर। सेकंड वाला आंसर बताओ, 150.49 पर लेबर आवर। तो ये दो आंसर हैं फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमने पास पेपर कर लिया एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, ठीक है बच्चों। और इसमें देख लो कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज पूछने वाली है तो मुझसे पूछ लो, कोई तस्वीर वगैरह लेनी तो ले लो उसकी। चलो इस तरह आ जाएगा पूरा पेपर कंप्लीट। इसी क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कीजिएगा, और फिर अभी जो आप लोगों ने होमवर्क में क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने होमवर्क में करना है। और ये बच्चों होमवर्क लाजमी करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा होमवर्क में दो क्वेश्चन दे रहा हूँ अलजेब्रिक मेथड के, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन ये है, पहले वाला क्वेश्चन ये है आप लोगों का, हाँ हाँ अलजेब्रिक मेथड अवेलेबल है यूट्यूब पर, अवेलेबल है अलजेब्रिक मेथड। पास पेपर किधर गया यार, हाँ ठीक है आ गया। अच्छा जी पास पेपर में जो आपने भी क्वेश्चन करना है होमवर्क में, पहला आप लोगों ने क्वेश्चन करना है ये अलजेब्रिक मेथड की है, स्प्रिंग 12 क्वेश्चन 2 ये वाला नोट कर लो, स्प्रिंग 12 क्वेश्चन 2 ये वाला, स्प्रिंग 12 क्वेश्चन 2 ठीक है, नाइट्रेट लिमिटेड वाला क्वेश्चन। तो ये भी किससे, अलजेब्रिक इक्वेशन से, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन से नहीं लिखा, उसने साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन अलजेब्रिक मेथड ही है, ठीक है। एक ये बच्चों करना लाजमी 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 का मतलब है लाजमी होता, और एक करना है स्प्रिंग 22 क्वेश्चन 5, और मेरे मुताबिक मेरे क्वेश्चन में बुक में जो है क्वेश्चन 15 है, ये 15, ये जो क्वेश्चन 15 है स्प्रिंग 22 क्वेश्चन 5, आप लोगों ने ये भी करना है, ये भी अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। इसमें एक तगड़ी वैरायटी आएगी, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने भी कहा भी हुआ है कि अलजेब्रिक मेथड यूज कर लो, ये लिखा हुआ है। अच्छा वो अलजेब्रिक मेथड नहीं कह रहा, यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक मेथड ही है, ठीक है। तो ये दो सवाल आपके होंगे, ठीक है, ये लास्ट में करने आप लोगों ने, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।